नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 4 की। इससे पहले के तीन मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो तीनों के तीनों मॉडल पेपर देख सकते हैं। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषत् स्पृष्टा वर्णा चेतव्या। ईषत् स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं वो आपसे पूछे गए हैं। पहला है क ख ग ग य व र ल ए ई उ ऋ और श श श है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, य व र ल जो है वह ईषत् स्पृष्ट होते हैं। कौन से? यण वर्ण। कौन से होते हैं? यण वर्ण। तो पहला में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, महाभाष्यकार के अस्ति। महाभाष्यकार कौन थे? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भट्टोजी दीक्षित। ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा इसका। महाभाष्यकार जो है दोस्तों वो पतंजलि को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। और आपको कौन से विषयों के मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है दोस्तों आपका, वाघगरी इति पदस्य संधि विच्छेदम शात। वाघ प्लस गरी, वा प्लस हरी, वाक प्लस हरी या वा प्लस गगरी। ये आपके चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरे का आपको राइट आंसर बताना है कि प्रश्न नंबर 3 का आप करेक्ट आंसर क्या होगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक प्लस हरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे में। चौथा क्वेश्चन है, इस्तो इश्चुना इश्चु इति सूत्र शोदाहरणम वर्तते। इस्तो इश्चुना इश्चु का जो उदाहरण है इस सूत्र का कौन सा है? वागीश, एतन मुरारी, रामस चिनोति या तले। ये आपके चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथे का जो सही उत्तर है वो रहेगा रामस चिनोति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस सूत्र के अनुसार। अगला आपका है, प्रातिपदिकार्थम लिंग परिमाण वचन मात्रे डॉट 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 रिक्त स्थानम पूर्णत करणीय। ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थम लिंग परिमाण वचन, इसमें कौन सी विभक्ति होती है ये पूछी गई है आपसे। चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या प्रथमा, ये चार विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर जो 5 है उसका सही विकल्प रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रथमा विभक्ति रहेगी। प्यारे साथियों, कौन सा रहेगी? प्रथमा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अधि शिंग इष्टा ऐसाम कर्म सूत्र द्वारा कश्य कर्म संज्ञा भवति। अधि शिंग इष्टा ऐसाम कर्म जो सूत्र है इसमें किसकी कर्म संज्ञा होती है? धातु आदर्श इप्सितमस्य या अपसर्गस्य। ये चार विकल्प हैं, तो छठे का आपको आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, आधार की कर्म संज्ञा होती है आधारश्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, दुग्ध धवलम शब्दे समासे अस्ति। दुग्ध धवलम यहाँ पे दे है और दुग्ध धवलम पदे समासे अस्ति। तो जल्दी से बताइए दुग्ध धवलम समास में कौन सा, इस पद में कौन सा समास है? तो प्रश्न नंबर जो 7 है उसका सही आंसर आप करेगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखें, कर्तव्य शब्दे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, यत, तव्यत या अण्यत। ये चार विकल्प हैं, बताइए जल्दी से कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों, कर्तव्य शब्द में आपका तव्यत प्रत्यय है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नवा प्रश्न देखेंगे, शिष्य शब्द प्रत्यय अस्ति, शिष्य जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय या लिप प्रत्यय, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। तो शिष्य है जो शब्द है दोस्तों, आपको प्रत्यय बताना है, जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा क्यप प्रत्यय। शिष्य जो शब्द है वो सास धातु से बना है और इस सास धातु के योग में क्यप प्रत्यय होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नवे क्वेश्चन का आंसर। दसवां देखेंगे, मति शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति, मति शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। मतीन, मति, मत्या या मति। तो दसवें का जल्दी से कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मति ही इसका द्वितीय बहुवचन का रूप बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, धेनु शब्द से तृतीय एक वचनम अस्ति, धेनु शब्द का तृतीय का एक वचन रूप आपसे पूछा गया है साथियों। धेनुना, धेनवा, धेनवे या धेनु भी, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। तो 11वें का राइट आंसर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। धेनु शब्द का तृतीय एक वचन जो रूप है वो धेनवा होगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, धेनवा। ठीक है, अगला है 12वां प्रश्न, पिबाम इति तिंगते मूल धातुरस्ति, पिबाम शब्द में कौन सी मूल धातु है, पिब, पच, पा या पृच, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। पिबाम है, इसमें कौन सी मूल धातु है तिंग प्रत्यय की, तो इसमें जो मूल धातु है साथियों वो है आपकी पा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पिबाम में पा धातु के योग से ये बना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखेंगे, बालका वृक्षान पश्यंती, बालका वृक्षान पश्यंती, क्रमवाच्य किम, इसका क्रमवाच्य बनाइए। चार विकल्प हैं, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार विकल्प हैं। बालकाः वृक्षान पश्यन्ति। तो साथियों प्रश्न नंबर जो 14 है उसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, बालकये वृक्षा दृश्यन्ते, इसका क्रमवाच्य रूप यही बनेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। 15वां प्रश्न देखेंगे, परोपकारार्थम मिदम डॉट 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 शरीरम वितम जलम या धनम, ये सुक्ति है दोस्तों। क्या है सुक्ति, तो सुक्ति में से ये क्वेश्चन आया है, बताएं जी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा शरीरम, क्या रहेगा शरीरम, विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यह शरीर परोपकार के लिए बना है, तो परोपकारतम इदम शरीरम। ठीक है, अगला 16वां क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न जो है वो शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि सन्ति, पहला है भारतीय संस्कृत ज्ञानम, शुद्ध उच्चारणम, स्मरण शक्ति वर्धनम या शर्वाणी, ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि, संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शर्वाणी, ये सभी उद्देश्य जो है संस्कृत शिक्षण के हैं। अगला है, अनुवाद शिक्षण से विधि अस्ति, अनुवाद शिक्षण की कौन सी विधि है, पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि या शर्वा, ये रीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अनुवाद शिक्षण से विधि अस्ति, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वें का। प्रश्न नंबर जो 17 है दोस्तों उसका सही आंसर रहेगा तुलना व अनुकरण विधि, सी ऑप्शन आप, सॉरी शर्वा इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये द्विभाषी, तुलना एवं अनुकरण और पुस्तक, ये सारी की सारी विधियाँ हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, पाणिनि व्याकरणे स्वरा संति, पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ प्लुतो अनुनाशिकः, उदार उदात अनुदात स्वरिता या उदाता अनुदातो, ये चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर बताइए। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वर कौन से होते हैं, तो प्रश्न नंबर जो 18 है उसका सही विकल्प रहेगा उदात अनुदात स्वरिता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 18वें में। 19वां है, उपचारात्मक शिक्षण किम भवति, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठने से पुनर् पुनर् अभ्यास है, लेखन कलासु निपुणता या सर्वे, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 19वां।
प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा छात्राणाम त्रुटि निवारण। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की त्रुटियों का निवारण किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 20वां प्रश्न है, संस्कृत भाषाया कौशलस्य अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा कौशलों में अंतिम कौशल कौन सा होता है? श्रवणम, पठनम, लेखनम या संभाषणम। बहुत इजी क्वेश्चन है, LSRW यानी लास्ट वाला पूछा है, तो राइटिंग यानी लेखनम हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 20 का। 21वां है, मौखिक परीक्षा या भेद नास्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या भाषण परीक्षा। तो 21वें का अब आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 21वें में। 22वां है, नियमान प्रस्तुये उदाहरण बोधनम। नियम को प्रस्तुत करके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इत्यत्र कोयम विधि, ये कौन सी विधि है? निगमन विधि, प्रायण विधि, आगमन विधि या सूत्र विधि। ये चार विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है। नियम से उदाहरण की ओर जो दोस्तों विधि चलती है वह कौन सी है? आपकी निगमन विधि है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 का। 23वां है, प्रोफेसर VP वोकिल महोदयन संस्कृत शिक्षण कस्य विधे प्रयोग कृत। प्रोफेसर VP वोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। बताएं जल्दी से, प्रोफेसर VP वोकिल महोदय ने कौन सी विधि का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का, बी ऑप्शन। अगला है, NCERT इति संस्था कस्मिन क्षेत्रे कार्य करोति। NCERT इति संस्था कस्मिन क्षेत्रे कार्य करोति, ये CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसका। चार विकल्प आप देख लें और राइट आंसर कौन सा रहेगा ये बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 का कमेंट करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। NCERT जो है वह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिन साथियों ने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 का बी। 25वां देखें, यस्मिन काव्य विदो शिक्षक पूर्वम शब्दानाम व्याख्या करोति तत्पर श्लोकस्य अर्थम कथ्यति से विधि केन नामना कथिते। यानी वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक सबसे पहले शब्दों की व्याख्या करता है, उसके बाद श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करता है, वह कौन सी विधि है? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, व्याख्या विधि या गीत विधि। ये क्वेश्चन भी CTET में आया हुआ क्वेश्चन है, बताएं राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 25 का। जी 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह रहेगा आपका व्याख्या विधि, इसमें व्याख्या की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 25वें में। 26वां है, नाट्यशास्त्र केन विरचित। नाट्यशास्त्र की किसने रचना की? आनंद वर्देन, ममटेन, अभिनव गुप्तेन या भरतेन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा दोस्तों 26वें का, जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही है। अगला 27वां है आपका, पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। बालकानाम ज्ञानस्य सीमाया विस्तार्याय, व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्यपदनाय या उक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। बताइए जल्दी से, प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर अब आपको बताना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों ही इसके उद्देश्य माने गए हैं दोस्तों। डी ऑप्शन 27वें में करेक्ट आंसर रहेगा। 28वां है, कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचन से प्रमुखम प्रयोजन। कक्षा में छात्रों के द्वारा कविता वाचन करवाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है? कवे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम। दूसरा है, बिंब चित्र से अंत्यानुप्रास्य अवगमनम। तीसरा है, कविताम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। चौथा है, साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। तो इसका सही आंसर रहेगा कविताम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 28वें में। प्रश्न नंबर 29 है, भारतस्य शिक्षा नीति ज्ञायते। मातृभाषा शिक्षण रूपेण, शिक्षाया अधिकार रूपेण, बहुभाषिकता रूपेण, त्रिभाषा, यहाँ पर संस्कृत नहीं लिखा मैंने,
ठीक है। तो भारत देश में संस्कृत को जो है वो भाषा नीति में किस प्रकार से माना जाता है ये बताना है। तो मातृभाषा माना जाता है, शिक्षा का अधिकार माना जाता है, बहुभाषावाद रूप का माना जाता है या त्रिभाषा सूत्र के रूप में माना जाता है। तो संस्कृत का जो दोस्तों स्थान है वह त्रिभाषा रूप में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 29 का। 30वां क्वेश्चन है, शीर्षक कश्य मुख्य संबंध भवति, जो शीर्षक होता है पाठ का वह उसका संबंध क्या होता है। पाठस्य मुख्य सूक्तियों से, संपूर्ण पाठन से, मुख्य पात्रकस्य कथनेन से या पाठस्य मुख्यांशेन से। बताइए शीर्षक का जो मुख्य संबंध है वह किससे रहता है दोस्तों। वह रहता है आपका संपूर्ण पाठ से, शीर्षक से ही पता चल जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30 का। तो ये 30 क्वेश्चन आज के थे दोस्तों। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको कौन कौन से सब्जेक्टों के जो है मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए वो हम जल्दी पूरे मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नए लेटेस्ट मॉडल पेपर में अगले में। तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।